हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया? तो चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और कौन सा? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के पहले, यानी हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और नेसेसरी कॉन्सेप्ट जो आइसोमर के लिए जरूरी है, न केवल आइसोमर के लिए जरूरी है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। क्या है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, सब एक ही नाम है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको अनसेचुरेशन फैक्टर कहते हैं। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। आइसोमर में तो इसका बहुत यूज है ही, पर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वर्ड पकड़िए, क्या है अनसेचुरेशन? डेफिशिएंसी किसका? हाइड्रोजन का। यानी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें हमको खोजना है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? इसको डीयू से लिखेंगे, आईएचडी से लिख सकते हैं, डीबीई से लिख सकते हैं, यूएफ से लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिया रहेगा, घबराना नहीं है, काम एक ही है। क्लियर? क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करेंगे कैसे? तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को निकालकर उसी का इंडेक्स बनाएंगे। तो चैप्टर क्या है? आइसोमर। और आइसोमर पढ़ने के पहले बेसिक एंड नेसेसरी कॉन्सेप्ट जो है वो देख रहे हैं। क्लियर? तो क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब बार बार इतना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यूएफ लिख दो, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, अनसेचुरेशन फैक्टर, सब एक ही है, डीयू लिख दो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन फैक्टर लिखते तो यूएफ लिख देते, कोई दिक्कत? किसी रूप में दिया रहा, घबराना नहीं है। चलिए क्या करते हैं, जरा देखा जाए। अब ये बताओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का तो मीनिंग आप समझ चुके हो। अगर हम कहें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है, तो तुरंत लिख दोगे CnH2n+2। अब कहे कि एक अल्कीन जो अनसैचुरेटेड है उसका फॉर्मूला लिखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन का फॉर्मूला लिखो CnH2n, है ना? अगर हम इसको ऐसे लिखे C4H10 और इसको लिखे C4H8, तो कोई दिक्कत है? तो ऊपर वाला क्या है? सैचुरेटेड। नीचे वाला क्या है? अनसैचुरेटेड। इसको लिखते हैं ना अनसैचुरेटेड। ये ओपन चेन में भी दिखा सकते हैं, इसको साइकिल में भी दिखा सकते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड ही नहीं होगा, वही तो हम लोग को सीखना है। अनसैचुरेशन का यह मतलब नहीं होगा कि जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वही अनसैचुरेटेड कहलाएगा, साइक्लिक भी आएगा तब भी अनसैचुरेटेड कहलाएगा। कैसे? तो अनसैचुरेशन का मतलब समझना है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। अगर सैचुरेटेड, चार कार्बन का सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता तो हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, और चार कार्बन का दूसरा फॉर्मूला ले रहे हैं, अगर वहां हाइड्रोजन की संख्या कम है तो निश्चित तौर पर वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन होगा। वहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूला को देख के हमें पूछ देता डीयू कैसे निकालिएगा, तो आप कहते डिफरेंस लो, किसका? हाइड्रोजन का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी हाइड्रोजन का डिफरेंस लेना है। C4H10 माइनस C4H8, इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 का। तो अनसैचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां कितना आया? 1 आया। इस 1 का मतलब क्या है, मीनिंग समझने की कोशिश करो, कि अगर हम C4H8 का CH3 ये फॉर्मूला बना दें, डबल बॉन्ड है, देखो ना, 1, 2, 3 चार कार्बन, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 हाइड्रोजन, यहां क्या है फंक्शन ग्रुप? डबल बॉन्ड। और फॉर्मूला क्या है? C4H8, और जहां C4H8 फॉर्मूला होगा अनसैचुरेशन फैक्टर कितने होंगे? 1।
क्लियर। अगर हम इसी का साइक्लिक बना देते, ये तो ब्यूटीन है, ब्यूट वन इन सिंपली ब्यूटीन। अब जरा देखो, अब यहां देखो, ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लोब्यूटेन है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर भी अनसेचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन दोनों एक ही चीज है, कितना निकल रहा है, वन निकल रहा है। इससे क्या मैसेज आ रहा है, जरा समझा जाए क्या मैसेज आ रहा है, कि फॉर्मूला क्या है इसका, C4H8। यहां पर भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है और यहां पर भी है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देख के नहीं होगा, जहां हाइड्रोजन की कमी दिखेगी वहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लगेगा। कैसे कमी दिखना चाहिए, अगर कोई हाइड्रोकार्बन या कोई भी दूसरा कंपाउंड क्यों ना हो, सैचुरेटेड में जितना हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर उससे कम हाइड्रोजन हो रहा है, कार्बन एटम सेम है पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो निश्चित तौर पर वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वर्ड का यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अब दिमाग में क्या सेट करना है कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां डीयू वन होगा, कितना होगा, वन होगा। जहां एक रिंग बनेगा वहां पर भी डीयू कितना होगा, वन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दो डबल बॉन्ड आएगा तो डीयू दो हो जाएगा, दो रिंग बनेगा तो डीयू दो हो जाएगा। कैसे होगा, पहले नोट कीजिए ना, अब तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, नोट किया जाए। लिख लिए, क्या समझे कि जहां डबल बॉन्ड होगा अनसैचुरेशन फैक्टर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक होगा, साइकिल के लिए भी एक होगा, यानी एक डबल बॉन्ड के लिए एक हुआ, ये दिमाग में बैठा, तो दो डबल बॉन्ड के लिए दो हो जाएंगे, तीन डबल बॉन्ड के लिए तीन हो जाएंगे, ये दिमाग में सेट करते जाइए। कैसे कि अगर मान लीजिए एक डबल बॉन्ड और एक रिंग है, रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, इसके लिए डीयू क्या हो गया, वन हो गया। अब तो दिमाग में ऐसा सेट कीजिए, स्ट्रक्चर देगा तुरंत कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई कंपाउंड है और यहां पर दो डबल बॉन्ड है तो डीयू कितना, अनसैचुरेशन फैक्टर कितना, सीधे कर दोगे कितना, दो। अगर कोई कहता भैया दो रिंग है, एक रिंग के लिए एक अनसैचुरेशन फैक्टर, तो दो रिंग के लिए दो। आप कहेगा सर हमको करके दिखाए, वो भी करके दिखा देंगे। ध्यान दीजिए, तीन रिंग होता तो क्या कह देते, तीन डीयू थ्री, रिंग के साथ डबल बॉन्ड हो जाता, रिंग के साथ डबल बॉन्ड हो जाता। देखो ना, रिंग के चलते एक और तीन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितना है, तीन, तो इसलिए डीयू कितना हो गया, चार कुछ है। अगर ऐसा रहता रिंग कितना, तीन, डबल बॉन्ड कितना, तीन, तो क्या हो जाएगा अनसैचुरेशन फैक्टर, रिंग के चलते तीन और डीयू के भी चलते, सॉरी डबल बॉन्ड के भी चलते तीन, इसलिए टोटल डीयू कितना हो गया, सिक्स। कहीं दिक्कत है आपको, ये सर कैसे हुआ, फिर से एक बार बताइए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, नोट कीजिए इसको, कहीं डाउट है, पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, घबराना नहीं है। अब देखिए एक बार फिर से समझे, अब अल्काइन के साथ सीखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अल्काइन का फॉर्मूला क्या लेते हो, CN H2N माइनस टू, और लिखते क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ इस फॉर्मूला का अल्काइन ही नहीं बनेगा, कई एक कंपाउंड बनेंगे, कई एक फंक्शन ग्रुप बनेंगे, वो देखते हैं कैसे बनेंगे। अगर हमारे पास लिखा हुआ है C4H6, ये लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, ब्यूटाइन तो बन गया, यही फॉर्मूला है, एक दो तीन चार कार्बन, तीन दो पांच एक छह हाइड्रोजन, क्या ये नहीं बन सकता था, ब्यूटा वन थ्री डाइईन, ये बन सकता था कि नहीं। अच्छा ये बताओ, साइक्लिक ब्यूटी, कहेगा बिल्कुल, क्या हम बायसाइक्लो नहीं बना सकते थे, निश्चित तौर पर। देखो
इसको जोड़ देते, इसको लिखते शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से, क्या नाम लिखते, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटी, क्लियर। अच्छा ये बताओ, इसका फॉर्मूला C4H6 जोड़ लो ना, कोई दिक्कत है क्या? 1, 2, 3, 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, C4H6, यहां भी देखो C4H6। अगर हम DU कैलकुलेट करते इस फॉर्मूला का तो क्या आता, 4 कार्बन का सैचुरेटेड का फॉर्मूला, बताओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, मतलब हाइड्रोजन का डिफरेंस लेना है। अगर ये सैचुरेटेड होता तो C4H10 होता, क्योंकि सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो इसका मतलब ये क्या होता, C4H10 माइनस C4H6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4/2 कितना हो गया, 2, क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ध्यान दीजिएगा एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेशन फैक्टर DU कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के चलते तो 1 होता था, तो 2 डबल बॉन्ड के चलते 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। एक रिंग के चलते 1 होता था और एक डबल बॉन्ड है इसलिए DU कितना हो गया, 2 हो गया। यहां 2 रिंग है इसलिए DU कितना हो गया, 2 हो गया। कहीं डाउट है, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो क्या कहेंगे कि एक ही मॉलिकुलर फॉर्मूला के कई एक अलग अलग कंपाउंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को तो सिखाना है हमको आइसोमर में, बस सोचने का तरीका तो देख रहे हैं, कोई दिक्कत, नोट कीजिए। तो आगे की बात करते हैं, अगर यहां जगह है बताओ इसमें कितने अनसैचुरेशन फैक्टर हैं, कितने DU हैं, कैलकुलेट करो। साइकिल 1 तो रिंग के चलते 1, डबल बॉन्ड जोड़ो 1, 2, 3, 4, डबल बॉन्ड कितने 4, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 5, इसी को DU कह सकते हो, कितने 5, कहीं दिक्कत है, क्लियर है ना, नोट कीजिए, तब कुछ और वर्क करते हैं। लिख लिए, मिटाया जाए। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कैसे करेंगे, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, यूज क्या है, घबराते क्यों हैं, धीरे धीरे देखिए ना सब आ जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर देख के अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए सिखा रहे हैं, DU निकालने के लिए सिखा रहे हैं, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला दिया रहता ना तो फॉर्मूला बैठा के भी निकाल सकते थे, वो भी सिखाएंगे, पहले स्ट्रक्चर पर काम कर लें। देखिए अगर मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है, अब कोई कहा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताइए, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप फर्स्ट टाइम जब बना रहे होते तो क्या करते, आप जानते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंसी होता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है, इसलिए पहले कार्बन काउंट करते और सब जगह देखते 1, 2, 3 बॉन्ड पूरा है तो 1 हाइड्रोजन, इस तरह से गिनते जाते। अब तरीका बदलना है, कैसे बदलना है जरा सीखिए। 3 रिंग देखा, सीधे 3 DU, डबल बॉन्ड 3, 2, 5, 2, 7, डबल बॉन्ड 7, यानी आपको क्या मिला कि अनसैचुरेशन फैक्टर DU कितना है, 10। इस 10 का मैसेज क्या है, इसका मैसेज क्या है कि इस फॉर्मूला में 20 हाइड्रोजन की कमी है, कितने हाइड्रोजन की कमी है, 20। कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन देखो यहां 6, यहां 6, बीच में 2, 14 कार्बन है, कार्बन ही काउंट करना है। देखो ना इधर 6 कार्बन का रिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, रेड से दिखा देते हैं आपको, एक बार स्थिर से देख लो 6, इधर भी दिख रहा है कितना 6, 6, 12 और 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 14 है कि नहीं। अगर ये सैचुरेटेड रहता, सैचुरेटेड रहता बस एक बार समय लगेगा, बाकी हमेशा आसानी से बनेगा। अगर यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता, अल्केन जैसा सोचते तो CnH2n+2 सोचते, है ना। अगर यहां 14 रखते तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, C14H30
पर अनसैचुरेशन फैक्टर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बता रहा है? इसके पास 20 हाइड्रोजन कम है, तो यहां 20 हाइड्रोजन हटा दो, 20 हाइड्रोजन हटा दिए तो C14H10 बन गया। आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं? सर एक बार और जरा देखो, मान लो ऐसे कहीं भी कुछ डबल बॉन्ड लगा दिया, कहा किसका, बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, तो कैसे निकालना है? पहले क्या निकालना है? डीयू। डीयू कैसे निकालोगे? 1, 2, 3, 4 रिंग हुआ डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5 चार रिंग और डबल बॉन्ड 5, कितने हो गए? 9। इसका मतलब क्या हुआ? यहां 18 हाइड्रोजन की कमी है, यही ना मतलब है। कार्बन जोड़िए, यहां देखिए 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कार्बन कितने हैं? 15। अगर ये सैचुरेटेड होते तो C15H32 ये फॉर्मूला लगाते, कितने हाइड्रोजन शहीद हो गए? नहीं है इसके पास, 18 नहीं है, बचे कितने? 14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया कि नहीं? यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख के तुरंत हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। और एक दो बनाइए जरा देखिए, कहा इसका निकालिए, कितने रिंग है? 1, 2, 3 रिंग कितने? 3। डबल बॉन्ड कितने? 4। अनसैचुरेशन फैक्टर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 7। मतलब क्या? 14 हाइड्रोजन चला गया। कार्बन कितने हैं? इधर 6, इधर 6, 12, एकदम देखते कि 7 बन जाएगा, 12 है ना, तो क्या करेंगे? C12H26 की दिक्कत, कितने हाइड्रोजन हट गए? 14। बचे क्या? C12H12। डाउट है? आराम से बनना है। अगर कोई कहता है सर कि कहीं डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, बताइए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए कैसे निकालते? पहले डीयू निकालो, एक रिंग है, रिंग कितना है? 1 है, रिंग के चलते 1, डबल बॉन्ड 3, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड में कितना होता है? 1 ट्रिपल बॉन्ड में 2 होता है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के चलते 4, ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है? 2, तो 2 है तो 4 हो गया, तो कितने हो गए भैया? 8 अनसैचुरेशन फैक्टर। क्लियर? निकालना है फॉर्मूला 6, 2, 8, 2, 10, अगर ये सैचुरेटेड रहता तो ये होता। कितने हाइड्रोजन डीयू है? 8, तो 16, C10H6, कहीं दिक्कत है? आराम से बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले नोट करें, तो एक बनाने के लिए देंगे तब आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए। लिख लिया भाई, अब दे आपको बनाने के लिए, एक बार हम भी तो देख ले कि आप क्या सीखे, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? डीयू, एकदम सिंपल प्रोसेस से चलना है। फॉर्मूला भी निकालना है, एकदम स्थिर से। दिक्कत? सावधानी से, क्लियर?
फॉर्मूला भी निकालते जाना है। देखते जाइए, बनाते जाइए। बनेगा फटाफट, बन जाएगा। नोट कीजिए क्या करना है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आंसर आया। बताने की जरूरत है हमको क्या? नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही। नोट किया जाए। लिख लिए, आगे चले, बना के बताइए। आगे हम लोग अब चलते हैं थोड़ा। डाउट? अच्छा, अगर कहीं प्लस माइनस चार्ज दिया हुआ है, फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल, या कहीं कार्बोकेटायन दिया हुआ है, कहीं माइनस चार्ज दिया हुआ है, कार्बो एनायन दिया हुआ है ना? तो जो अनसैचुरेशन फैक्टर हम लोग निकालेंगे, यूएफ निकालेंगे, जिसको डीयू कहते हैं, सैचुरेटेड का तो फॉर्मूला क्या हुआ? CH4। अभी प्लस माइनस भूल जाइए, उससे तो कोई मतलब नहीं है। अभी जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है? CH3। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? एक हाइड्रोजन का। इसलिए अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो गया? 0.5। तो अगर किसी स्ट्रक्चर पर फ्री रेडिकल दिया हुआ है तो उसका मतलब डीयू 0.5। अगर प्लस चार्ज दिया हुआ है तो उसका भी मतलब 0.5। माइनस चार्ज दिया हुआ है तो उसका भी मतलब 0.5। कोई दिक्कत? अगर मान लो कोई कंपाउंड है और यहां इस तरह से प्लस चार्ज दे दिया, अब पूछा कि इसका अनसैचुरेशन फैक्टर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? रिंग के चलते तो एक, और इस प्लस चार्ज के चलते 0.5, तो 1.5। यानी कितना हाइड्रोजन का कमी है? 3 हाइड्रोजन का कमी है। कार्बन कितने हैं? 6। C6H14 फॉर्मूला होना चाहिए था अगर ये सैचुरेटेड रहता। कितने हाइड्रोजन चले गए? 3। 3 हाइड्रोजन घटा दीजिए, C6H11, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है तो प्लस ऐसे लगा दीजिए। कोई दिक्कत है? अगर यही फॉर्मूला इस तरह से दिया रहता, मान लीजिए 2 बार माइनस चार्ज, कितने बार? 2 बार, रिंग के चलते एक और दोनों के चलते, इसके चलते 0.5, इसके चलते 0.5, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 1, 0.5 प्लस 0.5 कितने हो गए? 2। कितने हाइड्रोजन की कमी हो जाएंगे? तो कहेंगे 4। तो C4H10 अगर ये सैचुरेटेड रहता तब, और 4 हाइड्रोजन चला गया तो C6H6 हुआ। अब चूंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे -2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? अगर कभी ऐसा रहता कि डबल बॉन्ड भी है और ये डॉट फ्री रेडिकल दे दिया है, इसका क्या होता? रिंग के चलते 1, डबल बॉन्ड के चलते 2, दो डबल बॉन्ड है, और फ्री रेडिकल के चलते, इस डॉट के चलते फ्री रेडिकल 0.5,
तो 3.5, क्लियर। 6 कार्बन है, C6H14 होना चाहिए, 7 हाइड्रोजन चला गया, 3.5 का मतलब कितना, 7 हाइड्रोजन, जस्ट दुगना कर दीजिए, एक अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी, तो 7 चला गया, C6H7, फ्री रेडिकल लिखिएगा भी नहीं तो काम चल जाएगा, क्लियर समझ रहे हैं। तो एक अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब कितने हाइड्रोजन की कमी, 2 हाइड्रोजन, एक डीयू का मतलब 2 हाइड्रोजन का कमी। अच्छा ये बताओ, यहां ऐसे दिया हुआ है, क्या हुआ इसका डीयू, ओपन चेन है, तो ओपन चल के ओपन चेन के चलते तो कुछ नहीं, डबल बॉन्ड 2 तो डीयू 2.5, क्लियर। कार्बन जोड़ो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C7H16, कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 5, C7H11 प्लस चार्ज है तो प्लस डाल दीजिए, कोई दिक्कत है, क्लियर समझ रहे हैं। पहले नोट कीजिए, और बनाने देते हैं और सिखाते हैं, नोट कीजिए इसको, लिख लिए, आगे की ओर बढ़ा जाए, यानी कहीं पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, फ्री रेडिकल रहा, तो अनसैचुरेशन फैक्टर, डीयू फैक्टर 0.5 होगा, और एक अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी होती है, यह बात तो आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब देखिए, अगर हैलोजन एटम आ गया, ध्यान दीजिएगा, हैलोजन, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मानना है। अगर मान लीजिए कहीं हैलोजन है, इस तरह से क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस क्लोरीन को इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन मानना है, क्या मानना है, हाइड्रोजन। तो अब देखो यहां पर डीयू रिंग के चलते 1 है, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो 6 कार्बन है, C6H14, एक डीयू का मतलब 2 हाइड्रोजन कम, C6H12। अब क्लोरीन को किस क्या माने थे, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन हम हटा दो, क्योंकि क्लोरीन था ना वहां पर, वहां पर क्या जोड़ दो, क्लोरीन, C6H11Cl, फॉर्मूला हो गया। अगर ऐसा दिया रहता, ब्रोमीन क्लोरीन इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो रिंग के चलते अनसैचुरेशन फैक्टर कितना, 3, डीयू 3, और 3 डीयू का मतलब कितना हाइड्रोजन का कमी, 6। कार्बन देखो 6, 6, 12 है, हाइड्रोजन ये जितना भी क्लोरीन है उन सबको क्या मानना है, इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन ये बोले हैं। अब जब फॉर्मूला लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 हैलोजन है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन को हटाओ, 3 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन को जोड़ो, C12H22, BrCl3, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर सजा देते हैं बाद में, क्लियर समझ रहे हो। तो हैलोजन को क्या करना है, हम लोग को इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन मानना है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो हाइड्रोजन हटा के उतना हैलोजन जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड है इस तरह से, अब देखो डीयू कितना हो गया, 2 रिंग, 4 डबल बॉन्ड, 6 है ना, 6, 2, 8 कार्बन, C8H18, डीयू 6 है तो 12 हाइड्रोजन हटा दो, C8H6 H, सॉरी कितना हो जाएगा, 6। अब जरा देखो तो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन आ जाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन, C8H4BrCl, अल्फाबेटिक सजा लेना है, अल्फाबेटिक करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर सजा लेना है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पहले, फिर बाद में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, क्लियर है। देख लो यहां पर
अनसैचुरेशन फैक्टर 3, C5H12, 6 हाइड्रोजन हटा दो, C6H6। फॉर्मूला लिखना है, क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन हटा के दो हेलोजन जोड़ दो, C6H4BrCl। क्लियर? अच्छा, ऐसा दे देता, बताओ जरा। बना सकते हो? क्या कर देते हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर 3, कार्बन 4, 1, 5, C5H12, 6 हाइड्रोजन चला गया, C5H6। अब एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दो, ये ना लिखना है। कैसे लिखोगे ये तो पता चल रहा है कि डाउट हो रहा है कहीं पर, देंगे प्रैक्टिस के लिए, एकदम सीट देते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाइएगा, कहीं दिक्कत। अब ऑक्सीजन रहता तो कैसे यूज करते, मिटा दे, डाइवेलेंट एटम रहता तो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डाइवेलेंट एटम रहता तो कैसे यूज करते। ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर में कंडीशन है, ठीक है, क्या कंडीशन है, अभी तो मान लो ऑक्सीजन जैसा लेके चलोगे सल्फर को, पर सल्फर का जब ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा तो इस तरह से बिहेव नहीं होगा जैसे अभी कर रहे हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट केस है, उसको अलग से बताएंगे। देखिए करना क्या है ना, ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है, ऑक्सीजन को इग्नोर करना है। अब इसका अनसैचुरेशन फैक्टर DU निकालो, अगर ये सैचुरेटेड होता तो क्या लिखते, C4H10। अनसैचुरेटेड है तो क्या लिख रहे हैं, C4H8 लिख रहे हैं ना। डिफरेंस कितने का है, डाउट कहीं पर? अच्छा अब ये बताओ कि कहीं दिया हुआ इस तरह से, यहां अनसैचुरेशन फैक्टर DU कितना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रिंग के चलते 3 डबल बॉन्ड के चलते 4, ऑक्सीजन को तो इग्नोर करना है, पर फॉर्मूला लिखना रहता, देखो ध्यान देना, फॉर्मूला लिखना रहता, 6 कार्बन C6H14, DU4 है मतलब 8 हाइड्रोजन का कमी, एक अनसैचुरेशन फैक्टर मतलब 2 हाइड्रोजन, 8 चला गया, C6H6 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, तो अपने मन से ऑक्सीजन जोड़ दो C6H6O, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या किए थे, डिस्कार्ड किए थे, तो बाद में जोड़ना पड़ेगा, अगर जोड़िएगा तो। अगर रिंग के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हटाइएगा तो ये मत सोचिए कि रिंग समाप्त हो गया, रिंग तो है, कैलकुलेशन में ऑक्सीजन को इग्नोर करके चलते हैं। तो भैया अनसैचुरेशन फैक्टर DU कितना है यहां पर, 1। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, C4H10, अनसैचुरेशन फैक्टर 1, तो 2 हाइड्रोजन चला गया, C4H8, ऑक्सीजन है जोड़ दो तो C4H8O हो जाएगा, डाउट है? अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन इग्नोर करने बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड नहीं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां डबल बॉन्ड 4 हो गया और एक रिंग, रिंग कितना है 1, डबल बॉन्ड कितना है 4, ये भी डबल बॉन्ड काउंट होगा ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन को इग्नोर करते हो। कार्बन कितने हैं, 6, 1, 7, ये होना चाहिए था। अनसैचुरेशन फैक्टर कितने हैं यहां पर, 5, DU कितना है 5, है ना, कितने हाइड्रोजन चले गए 10, C7H6, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है जोड़ दो C7H6O, डाउट है, समझ रहे क्या करना है ना, यानी आप लोग समझ रहे हैं कि आपको आ रहा है, बताओ तो। कितना होगा सोच के बताओ, समय दिया आपको, सोच लिए, बताओ भैया। देखो ऑक्सीजन को इग्नोर करना, रिंग को और डबल बॉन्ड को नहीं, तो रिंग कितना, 2, डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, DB
5, UF 7 जिसको DU कहते हो, टोटल कार्बन 6, 2, 8, C8H18, 14 हाइड्रोजन चला गया, C8H4, कितने ऑक्सीजन 1, 2, 3, C8H4O3, क्लियर है? डाउट है कहीं पर? सब कुछ क्लियर? ऐसे रहेगा तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अब हम चाहते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके आप कैसे बनाएंगे, वो भी तरीका सिखा देते हैं। नोट कीजिए तो बताते हैं। कंफ्यूजन है कहीं पर? लिख लिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। अब हम लोग क्या सीखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से सीख लें। ये तो हम लोग को स्ट्रक्चर दिया हुआ, तुरंत सोच लेंगे। अभी नाइट्रोजन वाला इसमें नहीं बताएं कि कैसे सोचेंगे, तो पहले एक फॉर्मूला से सिखा दे आप लोग को, तो फिर नाइट्रोजन का और जो केस लिखे कि सल्फर प्लस 6 होगा तो कैसे लेंगे वो भी समझाते हैं। अगर DU निकालना हो और कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हो तो डायरेक्ट आप ये यूज कीजिए फॉर्मूला। अच्छा सर ये है क्या? तो DU निकाल रहे हैं, कब इसका यूज करेंगे? तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। आप उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एनसी सी यहां दिखाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 तो ऐड कर दिया गया। एच क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहीं दिक्कत? एक्स क्या है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम। एन क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्लियर? डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज कर सकते थे। जैसे मान लो C4H8 है, हम लोग जान रहे हैं कि जो अभी सिखाए उससे आप तो निकाल ही सकते थे, पर हम इस फॉर्मूला में दिखाते हैं। पहले से आप जान रहे हैं कि सैचुरेटेड और इसके बीच में 2 हाइड्रोजन का कमी है, इसलिए अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है। पर इस फॉर्मूला पर भी बैठा के तो देखिए, आपको वही आना चाहिए। कार्बन कितना? 4, 1 अपने मन से जोड़ दो, क्लियर। हाइड्रोजन कितना? 8, हैलोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन तो है नहीं, 0, 0। देखो तो 5 घटाओ 4, 1 ही तो आया, और ऐसे भी तो ही आ रहा था, तो दोनों तरीका तो एक ही है। कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है इसका यूज कर सकते हैं। और जो अभी सिखा रहे थे उससे दिमाग में बैठता है कि डबल बॉन्ड का मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड का अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा ये बताओ, C4H6 है तो कितना होगा? तो आप कहेगा सर C4H6 है तो DU निकालते हैं, कार्बन एटम 4+1, हाइड्रोजन देखो 6 है, 6+0+0 डिवाइडेड बाय 2, 5 घटाओ 3, कितना हो जाएगा? 2। ऐसे भी निकालते तो ही आता। सैचुरेटेड का फॉर्मूला C4H10 -C4H6 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों चीज तो एक ही है, क्लियर। अच्छा ये बताओ कि अगर हमको ये दिया रहता C5H11Cl, अनसैचुरेशन फैक्टर कहता निकालने के लिए, DU कहता निकालने के लिए, कार्बन कितने हैं? 5, 5+1, क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं? 11, हैलोजन क्लोरीन 1 है, इसको जोड़ेंगे, देखो तो 6, 12 में 2 डिवाइड करेंगे 2, कितना हो जाएगा? 6। टोटल क्या? 0, कोई अनसैचुरेशन फैक्टर नहीं है, कहीं डाउट? फिर देखो, अगर इस तरह से दिया रहता CH3COH, हम स्ट्रक्चर पर नहीं जा रहे, फॉर्मूला पर जा रहे, C2H4O2, ये है, इसका निकालना है। कहीं ऑक्सीजन है? नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है और DU निकालना है, कार्बन कितने? 2+1, हाइड्रोजन कितने? 4, 0, 0 डिवाइडेड बाय 2,
3, कोई दिक्कत इस डबल बॉन्ड के चलते हो जाएगा, कंफ्यूजन है कहीं पर, मीनिंग समझ रहे हैं? पहले नोट कीजिए फिर देते हैं आपको बनाने के लिए, बनेगा ना, इससे भी डाउट होगा बनाने में, नोट किया जाए, लिख लिए, अब देते हैं बनाने के लिए, फटाफट बनाओ, हम आंसर करके भी दिखा देंगे आपको अभी ही। फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फॉर्मूला दिया हुआ हो C5H12, हम लिखते जाएं आप बनाते जाएंगे, ठीक है, C5H12, C6H8, बनते जाएगा, सबसे आराम से कीजिए, C4H9 नाइट्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन, क्लियर, डी C5H8O ई C4H7Br एफ C6H5NO BrCl और एक और दे देते हैं C2H5+ बन जाएगा, हमें को देखना है क्या, चलिए समय दिया, दो मिनट करते हैं, एक मिनट समय देते हैं आपको, दिख रहा है सबको, क्या करोगे सोच के बताओ, क्या आया 0 5 + 1 12 0 डीयू 6 + 1 हाइड्रोजन 8 + 0 देखो 7 कोई दिक्कत बनेगा ना, चलिए यहां देखिए डीयू वही करना है, कार्बन कितना है 4 तो कर दिए 5 + 1 अच्छा हाइड्रोजन 9 जोड़ दिया, हेलोजन 2 नाइट्रोजन 1 घटा दो डिवाइड कर दो 2 से, क्लियर, कितने हो गए 6 घटाएंगे तो 10 एक आएगा, डाउट C5 यहां देखो कार्बन 5 5 + 1 हाइड्रोजन 8 6 × 4 = 2 कोई दिक्कत, ये देखो DU 5 हो गया तो 4 + 1 हाइड्रोजन 7 7 + 1 कोई दिक्कत, यहां देखो बताना होगा क्या, कार्बन 6 है तो सॉरी 6 + 1 हम डायरेक्ट लिख रहे थे, हाइड्रोजन 5 है, हेलोजन जोड़ो 2 है, ऑक्सीजन का तो दूध भात इसको तो इग्नोर कर दो, क्या हो गया 7 - 5 = 7 एक घट गया 6 3 होगा ना, बताना होगा क्या, अच्छा ये वाला इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है, डीयू निकालना है, कार्बन कितना है 2 2 + 1 हाइड्रोजन 5 5 ही है H5 3 2.5 0.5 सेम प्रोसेस है, कहीं दिक्कत है क्या, आराम से बना सकते हैं, क्लियर, और मिटाया जाए, सब प्रैक्टिस के लिए सीट देंगे, ध्यान से देखिएगा, एक बार वीडियो लेक्चर खत्म हो जाए आगे पीछे करके देखिए, पूरा प्रैक्टिस का सीट देंगे, मिटा दे चले आगे ना, इसी फॉर्मूला पर काम करना है, यानी नाइट्रोजन जब रहेगा तो उसको इग्नोर कर देना है, उसको -1 लेके चलना है, यही तो हम सिखा रहे हैं आपको, क्या करना है -1 लेके चलना है, जैसे C4H5N दे दे, जैसे
C4H5N दे दे। हम फॉर्मूला से नहीं जाते, इस तरह से लॉजिकली सोचना चाहते हैं। हाइड्रोजन रहता उसको हाइड्रोजन जैसा ट्रीट करते, यहां एक हाइड्रोजन कम कर देना है, C4 पांच है तो चार मान लीजिए, पांच है तो क्या मान लीजिए चार। तो अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, C4H10 होता, C4S4 है, कितने का तीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आराम से लिखिए। नाइट्रोजन वाला रहता C4H5N रहता, अभी हेलोजन में क्या था, उसको हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मानते थे, यहां क्या करोगे, एक माइनस कर लेना है, हाइड्रोजन घटा लेना है, पांच है, पांच में एक घटा देंगे हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा C4, किसके चलते हैं घटाए हैं, नाइट्रोजन के चलते, तो C4H4। अब देखो DU निकालो, सैचुरेटेड रहता तो C4H10, ऐसे है C4H4, कितने हाइड्रोजन की कमी है, क्लियर। अगर उस मेथड से भी निकालो ना भाई, आपको लगता है कि सर कुछ करिश्मा कर दिए तो इससे भी निकाल लो, हम सोचने का तरीका डेवलप करना चाहते हैं आपका। कार्बन कितना है, चार प्लस एक, हाइड्रोजन कितना है पांच, नाइट्रोजन है घटा दीजिए, कितना हो गया हाइड्रोजन कितना था पांच, घट के कितना हो गया चार, वही है, कुछ नया हुआ, क्लियर। अब हम जो सिखाना चाह रहे हैं कि किस फंक्शन ग्रुप में कितना अनसैचुरेशन फैक्टर है, ये भी आप समझ लीजिए, मिटाए डाउट कहीं पर, ये भी दिमाग में आपको सेट कर लेना चाहिए, क्लियर। अगर मान लो अल्केन है CnH2n+2, इस फॉर्मूला को दिखाएगा जीरो, एल्कीन है डबल बॉन्ड कहीं है तो वहां DU1 लीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड है DU2 होगा, अल्कोहल या ईथर है, अल्कोहल और ईथर है, ध्यान दीजिए RH या ROR है, वहां पर भी DU0 होगा, क्लियर। अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, डबल बॉन्ड क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, है ना, तो यहां DU कितना लीजिएगा, वन लीजिएगा। एसिड हो इस्टर हो, देखिए मिस्टर, एसिड हो इस्टर हो, ये एसिड है, कार्बोक्जिलिक एसिड है और ये स्टर है, यहां पर DU लेना होगा तो क्या लेंगे, वन, खाली एक ही डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत। देखिए साइनाइड हो DU2, आइसो वाला भी होगा तब भी DU2, कोई दिक्कत। एमाइड है DU1, क्लियर है, तो कुछ भी है, जैसे एसिड एंड हाइड्राइड है, DU2 ले सकते हैं कि नहीं, सब फंक्शन ग्रुप साइक्लिक रहेगा, DU1 बाइसाइक्लिक रहेगा, तो कैसे सोचते हैं, समझ में आ रहा है। अब अगर अनसैचुरेशन फैक्टर दिया हुआ है तो कैसे हम डिफरेंट कंपाउंड सोच सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लें, पहले नोट कर लीजिए तब उस पर चर्चा करते हैं। बेटा अब देखिए, अगर C4H10O हो गया इस तरह से, तब क्या मीनिंग होगा, तो DU निकालो, ऑक्सीजन को तो इग्नोर करना है, C4H10 ही रहता,
C4H10 रहता डिवाइडेड बाय 2 DU 0। अब जरा देखो यहां फॉर्मूला में CnH2n प्लस 2 O है और अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है, इसका मतलब जब भी अनसैचुरेशन फैक्टर 0 हो तो क्लोज चेन तो सोचिए ही मत, ओनली ओपन चेन। अब कैसे सोचिए, ओपन चेन है, डबल बॉन्ड का बात नहीं है, फिर भी यहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ कहां रह सकता है, दो जगह, या तो अल्कोहल या तो ईथर, ये ना, तो यानी यहां पर आप सोचिए यह फॉर्मूला अल्कोहल का भी हो सकता है और यही फॉर्मूला किसका हो सकता है, ईथर का भी हो सकता है ना, ये मत सोचिए कोई कन्वर्सन किए, खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं, यानी CN H2N प्लस 2 डॉट O, ये फॉर्मूला C4H10 इसका भी होगा, C4H10 O इसका भी होगा, देख लो कहीं पर भी डबल बॉन्ड आया क्या, नहीं, तरीका जनरेट करना है भैया, है ना, सोचने का आइडिया जनरेट करना है, क्या जनरेट किया, अनसैचुरेशन फैक्टर 0 मींस ओनली ओपन चेन, ऑक्सीजन है और अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है, इसका मतलब वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो दो ही जगह सिंगल बॉन्ड के साथ रह सकता है, अल्कोहल OH का फॉर्मूला, ईथर, है ना, क्लियर। बोलिएगा सर अगर इसमें ऐसा कर देते C4H8O ऐसे कर देते, अब कैसे सोचते, लिखो तब आगे केस में चले, ऑक्सीजन को फिर इग्नोर करेंगे, चलिए फटाफट कीजिए, अब ये C4H8 हो चुका है 2 डिवाइडेड बाय 2 1 DU 1, अनसैचुरेशन फैक्टर अब 1 है, अब 1 है तो ओपन चेन सिर्फ नहीं होगा, ओपन चेन भी होगा, क्लोज चेन भी होगा, क्लोज चेन में तो एक ही रिंग होंगे, मिटा दे इसको, अब सोचने का तरीका देखिए कैसे डेवलप करेगा, इस तरह से हम लोग को सोचना है, आइडिया जनरेट करना है, अनसैचुरेशन फैक्टर 1 तो क्या सोचेंगे, ओपन चेन भी होगा, अब ओपन चेन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, ओपन चेन विथ डीबी डबल बॉन्ड होगा और रिंग होगा, रिंग में कौन सा, सिर्फ मोनो, मोनो रिंग होगा, क्लियर। अब देखो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी है, दो तरह के डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के साथ भी और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, दो तरह की बातें हो सकती हैं, और रिंग भी दो तरह का होगा, होमोसाइकिल हेट्रोसाइकिल, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो आ गया है, अब पहले ये आ जाए, अगर C4H8O है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन है, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से क्या बन सकता है, कीटोन, कीटोन बनेगा तो एल्डिहाइड क्यों नहीं बनाओगे, एल्डिहाइड भी तो बन गया, कहेगा जी सर एल्डिहाइड भी तो बन गया, कीटोन बना तो एल्डिहाइड भी तो बन गया, सेम ही फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड होता तो सर कैसे सोचते, जब देखो डबल बॉन्ड दे देते तब तो ऑक्सीजन फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है तो उसको OH के साथ दो, और डबल बॉन्ड और OH एक साथ आएगा, डबल बॉन्ड और OH एक साथ आएगा तो क्या कहोगे, इनॉल, भैया ऑक्सीजन भी तो रहेगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन ऑक्सीजन कहां जाएगा, तो ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्ड के साथ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ दो ही जा सकता है, या तो अल्कोहल या तो ईथर, आपने अनसैचुरेशन फैक्टर किससे पूरा कर दिया, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो जो ऑक्सीजन है भैया वो तो फ्री है, अब सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड किसके साथ बना सकता है, या तो अल्कोहल के रूप में या तो ईथर के रूप में, तो अल्कोहल भी बनेगा इसका ईथर भी बनेगा, देखो ना भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जोड़ते जाओ, सबका C4H8O आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखो अपने से कोशिश करो, 1 2 3 4 कार्बन, 2 2 4 1 5 3 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ तो रहा है, C4H8O 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन आ रहा है ना, सर होमोसाइकिल नहीं बताए, हेट्रोसाइकिल,
अरे भाई पहले इधर समझोगे तभी तो वो बताएंगे। सर नहीं, अब बताइए, देखो होमोसाइकिल, चार कार्बन का साइकिल बना दो और एक OH हो गया। देखो तो एक दो तीन चार कार्बन, हाइड्रोजन देखो दो दो चार दो छह एक सात एक आठ हो। अब अल्कोहल है तो आप कहिएगा सर ईथर भी बनेगा, बिल्कुल सही। अब सोचने लगे, देखे ना जनरेट हो गया आइडिया, ईथर भी बनेगा। देखो वही फॉर्मूला है, जहां अल्कोहल होगा वहां ईथर होगा, जहां एल्डिहाइड होगा वहां कीटेन होगा, जहां एसिड होगा वहां एस्टर होगा। ऐसे दिमाग में सेट रखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक यानी अब बीच में ऑक्सीजन एंट्री ले लेगा। बीच में कौन एंट्री ले लेगा? ऑक्सीजन C4H8O। कुछ है क्या? देख रहे हो ना, साइक्लिक ईथर आ गया है। कंफ्यूजन यानी अगर हमको फॉर्मूला पता है, अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लेंगे और सोचेंगे किस तरह से कंपाउंड वो बढ़ेगा, है ना। डबल बॉन्ड है, कार्बन विथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो कैसे आइडिया जनरेट करेंगे तरह तरह का कंपाउंड होगा। क्लियर है? नोट कीजिए, तब इसमें दो ऑक्सीजन आ जाएगा तब कैसे सोचेंगे, लिखिए फटाक से। मिटाए, अब देखिए अगर C4H10O हो गया इस तरह से तब क्या मीनिंग होगा। तो DO निकालो, ऑक्सीजन को तो इग्नोर करना है, C4H10 ही रहता, C4H10 रहता डिवाइडेड बाय 2, DO 0। अब जरा देखो यहां फॉर्मूला में CnH2n+2O है और अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है। इसका मतलब जब भी अनसैचुरेशन फैक्टर 0 हो तो क्लोज चेन तो सोचिए ही मत, वनली ओपन चेन, वनली ओपन चेन। अब कैसे सोचिए, ओपन चेन है, डबल बॉन्ड का बात नहीं है, फिर भी यहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ कहां रह सकता है? दो जगह, या तो अल्कोहल या तो ईथर, ये ना। तो यानी यहां पर आप सोचिए ये फॉर्मूला अल्कोहल का भी हो सकता है और यही फॉर्मूला किसका हो सकता है? ईथर का भी हो सकता है ना। ये मत सोचिए कोई कन्वर्सन किए, खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं। यानी CnH2n+2.O ये फॉर्मूला C4H10 इसका भी होगा, C4H10O इसका भी होगा। देख लो कहीं पर भी डबल बॉन्ड आया क्या? नहीं। तरीका जनरेट करना है भैया, है ना, सोचने का आइडिया जनरेट करना है। क्या जनरेट किया? अनसैचुरेशन फैक्टर 0 मींस वनली ओपन चेन, ऑक्सीजन है और अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है, इसका मतलब वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो दो ही जगह सिंगल बॉन्ड के साथ रह सकता है, अल्कोहल OH का फॉर्मूला, ईथर, है ना। क्लियर? बोलिएगा सर अगर इसमें ऐसा कर देते C4H8O ऐसे कर देते अब कैसे सोचते? लिखो तब आगे केस में चले, ऑक्सीजन को फिर इग्नोर करेंगे। चलिए फटाफट कीजिए। अब ये C4H8 हो चुका है, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, DU 1। अनसैचुरेशन फैक्टर अब 1 है, अब 1 है तो ओपन चेन सिर्फ नहीं होगा, ओपन चेन भी होगा, क्लोज चेन भी होगा, क्लोज चेन में तो एक ही रिंग होंगे। मिटा दो इसको। अब सोचने का तरीका देखिए कैसे डेवलप करेगा। इस तरह से हम लोग को सोचना है, आइडिया जनरेट करना है। अनसैचुरेशन फैक्टर 1, तो क्या सोचेंगे? ओपन चेन भी होगा, अब ओपन चेन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, ओपन चेन विथ DB डबल बॉन्ड होगा और रिंग होगा। रिंग में कौन सा? सिर्फ मोनो, मोनो रिंग होगा। क्लियर? अब देखो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी है, दो तरह के डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के साथ भी और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, दो तरह की बातें हो सकती हैं। और रिंग भी दो तरह का होगा,
होमोसाइकिल हेट्रोसाइकिल, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो आ गया है, अब पहले ये आ जाए, अगर C4H8O है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन है, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बाइन ग्रुप से क्या बन सकता है, कीटोन, कीटोन बनेगा तो एल्डिहाइड क्यों नहीं बनाओगे, एल्डिहाइड भी तो बन गया, कहेगा जी सर एल्डिहाइड भी तो बन गया, कीटोन बना तो एल्डिहाइड भी तो बन गया, सेम ही फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड होता तो सर कैसे सोचते, जब देखो डबल बॉन्ड दे देते तब तो ऑक्सीजन फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है तो उसको OH के साथ दो, और डबल बॉन्ड और OH एक साथ आएगा, डबल बॉन्ड और OH एक साथ आएगा तो क्या कहोगे, इनॉल, भैया ऑक्सीजन भी तो रहेगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन ऑक्सीजन कहां जाएगा, तो ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्ड के साथ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ दो ही जा सकता है, या तो अल्कोहल या तो ईथर, आपने अनसैचुरेशन फैक्टर किससे पूरा कर दिया, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो जो ऑक्सीजन है भैया वो तो फ्री है, अब सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड किसके साथ बना सकता है, या तो अल्कोहल के रूप में या तो ईथर के रूप में, तो अल्कोहल भी बनेगा तो इसका ईथर भी बनेगा, देखो ना भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जोड़ते जाओ, सबका C4H8O आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखो अपने से कोशिश करो, एक दो तीन चार कार्बन, दो दो चार एक पांच तीन आठ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ तो रहा है, C4H8O एक दो तीन चार कार्बन, तीन दो पांच दो सात एक आठ हाइड्रोजन आ रहा है ना सर, होमोसाइकिल नहीं बताए हेट्रोसाइकिल, अरे भाई पहले इधर समझोगे तभी तो वो बताएंगे सर, नहीं अब बताइए, देखो होमोसाइकिल चार कार्बन का साइकिल बना दो और एक OH हो गया, देखो तो एक दो तीन चार कार्बन, हाइड्रोजन देखो दो दो चार दो छह एक सात एक आठ हो, अब अल्कोहल है तो आप कहिएगा सर ईथर भी बनेगा, बिल्कुल सही, आप सोचने लगे, देखे ना जनरेट हो गया आइडिया, ईथर भी बनेगा, देखो वही फॉर्मूला है, जहां अल्कोहल होगा वहां ईथर होगा, जहां एल्डिहाइड होगा वहां कीटोन होगा, जहां एसिड होगा वहां एस्टर होगा, ऐसे दिमाग में सेट रखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक यानी अब बीच में ऑक्सीजन एंट्री ले लेगा, बीच में कौन एंट्री ले लेगा, ऑक्सीजन C4H8O, कुछ है क्या, देख रहे हो ना साइक्लिक ईथर आ गया है, कंफ्यूजन, यानी अगर हमको फॉर्मूला पता है अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लेंगे और सोचेंगे किस तरह से कंपाउंड वो बढ़ेगा, है ना, डबल बॉन्ड है कार्बन विथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो कैसे आइडिया जनरेट करेंगे, तरह तरह का कंपाउंड होगा, क्लियर है, नोट कीजिए, तब इसमें दो ऑक्सीजन आ जाएगा तब कैसे सोचेंगे, लिखिए फटाक से, मिटा जाए, लिख लिया, अब दो ऑक्सीजन आ जाएगा तो कैसे सोचेंगे, मिटा में देखते जाइए, कमाल, सिर्फ हम लोग आइसोमर की पढ़ने की तैयारी करने हैं, जितना अभी सिखाए इसका दुगना तिगुना प्रैक्टिस देंगे बनाने के लिए आपको, तब जाके क्लियर होगा, क्लियर तो एक बार में हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, C4H8O2 DU निकालो, ऑक्सीजन को इग्नोर करो, सैचुरेटेड रहता तो C4H10 C4H8 दो, क्लियर, अब देखो C4H8 दो डिवाइडेड बाय दो एक, अनसैचुरेशन फैक्टर एक है पर ऑक्सीजन दो है, C4CnH2NO2 C4H8O2 DU1 है पर तरीका कितना है, DU एक है पर ऑक्सीजन कितना है, दो है, अब दो तरीके से सीखेंगे, ओपन चेन होगा, ओपन चेन होगा तो डबल बॉन्ड होगा,
और डबल बॉन्ड दो तरीके से होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और रिंग में भी फिर दो तरीका, मोनोसाइक्लिक मतलब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, रिंग में भी दो तरीका, होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कोई दिक्कत? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कहीं दिक्कत है? अब सोचो, अब सी फोर है, पहले ले आते हैं, एक डबल बॉन्ड दे दिया कार्बन के साथ, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दे दिया, दो ऑक्सीजन है तब तो एक ऑक्सीजन फ्री होगा। अब ये ऑक्सीजन अगर यहीं पर दे देते OH इस रूप में, फ्री होगा तो अल्कोहल के रूप में या तो इथर के रूप में होगा। तो ध्यान देखो, ये फंक्शन ग्रुप क्या बन गया? एसिड का बन गया। कार्बन कितने हमारे पास? चार। एक कार्बन तो यहां इंगेज हो गया, बाकी तीन कार्बन को लिख दो इस तरह से, एक दो तीन चार कार्बन, तीन दो पांच दो सात, एक आठ हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन। एसिड बनेगा कि नहीं? तो इसको कहेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड। अगर कार्बन विथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन फ्री है, अल्कोहल तो दे दिए, तो एक बार ईथर भी तो दे सकते थे ना, है ना? अल्कोहल तो ईथर, दो कार्बन तो यहां इंगेज हो गया, बचा दो कार्बन। तो इसको जैसे ही इस तरह से लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा मिस्टर? देखो स्टर, सोचने का तरीका है, एच था, ईथर भी होगा, अल्कोहल दिए तो ईथर दिए, तो इस अल्कोहल देने से ये कार्बोक्जिलिक एसिड बन गया, ईथर देने से एस्टर बन गया। फॉर्मूला, एक दो तीन चार कार्बन, तीन दो पांच, तीन आठ हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन। समझ रहे हो? सोचने का तरीका, जहां एसिड होगा वहां एस्टर होगा, जहां एल्डिहाइड होगा वहां कीटोन होगा। अब एक बच्चा बोला, सर हम यहां OH नहीं देंगे, हम दूर में देना चाहते हैं। बोले भैया आपकी मर्जी, दो ना। तब ये क्या बन गया? कीटोन। और यहां दे दो OH, तो फॉर्मूला वही रहेगा। अरे गोबर करके देखो ना, एक दो तीन चार कार्बन, तीन दो पांच दो सात, एक आठ हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, वही है ना। अब कीटोन है, कीटोन के साथ अल्कोहल है, यानी हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। नाम तो सब सिखाए ही हैं, हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। तब तो सर यहां ईथर भी होगा। बोले बिल्कुल, करके दिखाइए, देखो यही है ना, ये ईथर भी हो गया, कीटोन भी हो गया। ये कीटोन है, यहां ईथर, कितना देख रहे हो, आइडिया जनरेट कर रहे हैं, कितना फंक्शन ग्रुप हो सकता है। बोला सर तब ये आप जो बनाए कीटोन, तो एल्डिहाइड नहीं बना सकते, हम किनारे में रखेंगे। बोले आपका मर्जी है, आप जहां भी रखिए, एक दो तीन चार, तो एक ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा ही, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है। तो सर इसका भी फॉर्मूला यही है? अरे देखो ना, एक दो तीन चार, दो दो चार दो छह, एक सात एक आठ हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है तो एल्डिहाइड, और अल्कोहल है तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिखेंगे, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिखेंगे। तब तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिखे तो ईथर भी तो होगा सर एल्डिहाइड के साथ। बोले बिल्कुल, अब तो सोच ही रहे हो तुम, कैसे सोचना है? जहां अल्कोहल दिखा तो ईथर दिखेगा, जहां एल्डिहाइड दिखा तो कीटोन दिखेगा, जहां एसिड दिखा तो वहां इस्टर दिखेगा। इस तरह से दिमाग में सेट करोगे ना, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सर होमोसाइकिल हेट्रोसाइकिल, अरे बनाओ अपने से होमोसाइकिल, तो अब हमसे पूछता है जी। चलता रहेगा इसी तरह से हर एक चीज, है ना। अब हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अब तो आइसोमर में इसका खेला दिखाएंगे, कैसे खेलते हैं। कोई दिक्कत है कहीं पर? नोट करें, लिख लिए, मिटाया जाए और थोड़ी जानकारी बढ़ाई जाए। एकदम अच्छे से इस पूरे वीडियो को बहुत बार ध्यान से बारीकी से कीजिएगा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस इस पर आ जाएगा, है ना। कहीं दिक्कत?
अब थोड़ा सा एरोमेटिक का भी आइडिया क्या हम लोग निकाल सकते हैं डीयू से, ये सोचें, है ना। बेंजीन है, डीयू बताओ सर, अब तो कुछ है, चार, तीन डबल बॉन्ड एक रिंग, अगर ये सैचुरेटेड रहता C6H14, डीयू चार, आठ हाइड्रोजन हटा दो C6H6, अगर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 हुआ और तीन एक रिंग के चलते और तीन डबल बॉन्ड के चलते, तब तो ये मोटा मोटी आइडिया हम लोग को लग जाता है ना कि बेंजीन होता है। इस तरह का रेशियो कहां दिखा तो समझ जाना है कि एरोमेटिक है। बोला सर नहीं समझे, थोड़ा खुल के बताइए, C7H7Cl लीजिए, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए कह देता है आपको। अब ये बताओ हाइड्रोजन को क्या, क्लोरीन को क्या बोलें, इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन, C7H8, डीयू निकालो, C7H8 का क्या हो जाता 16, कितना, चार। अब ये चार है और C7H7 है, फॉर्मूला में क्या दिखा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है, तो ये सोचने के लिए बाध्य करेगा कि ये एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि यहां पर डीयू चार है तो एक रिंग के चलते, तीन डबल बॉन्ड के चलते। अब इस आधार पर सोचो कि एक बेंजीन बना दो, तो C7H7 में बेंजीन बना के C6H6 हटा दिया तो C H2Cl, ये ना बचा, देखो CHCl। अब एक हाइड्रोजन हटाएंगे कहीं से, CHCl जोड़ेंगे तो H इसके साथ आ जाएगा, बन सकता है कि नहीं, यही स्ट्रक्चर है ना, या ऐसे भी बना सकते थे CH3Cl, दो जगह देखो फॉर्मूला वही आ रहा होगा, करके देखो, ऐसे भी तो सोच सकते थे, यहां भी होगा, एक बार ऑर्थो पर, एक बार मेटा पर, एक बार पारा पर, पॉसिबिलिटी सोचो, सोचने का तरीका जनरेट करो, कैसे सोचे कि एरोमेटिक है। अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आ रहा था, चार, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना था, 1:1। अब अगर हम एक बेंजीन बना लेते तो C6H6 तो चला गया, अब बेंजीन के हर एक कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं, सबके पास एक हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन हटा होगा तब ना वहीं पर CHCl जुटा होगा, तो हाइड्रोजन हटा के तो बाहर नहीं ले जा सकते, इसी में जोड़ना होगा, क्योंकि तो सब मॉलिकुलर फॉर्मूला का ही पार्ट है, तो क्या होगा CH2Cl। अब इसको बेंजाइल क्लोराइड पर हो या इस रूप में ऑर्थो क्लोरो टोलविन पर हो, मेटा क्लोरो टोलविन पर हो, पारा क्लोरो टोलविन पर हो, पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, कैसे सोचेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, यही आइडिया और जनरेट करना है हम लोग को, इस पर भी वर्क कराना है, जितना ज्यादा वर्क कराएंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, है ना। पहले नोट करें और सोचते हैं, समझ रहे हैं कैसे करना है, कुछ और केस समझाते हैं आपको। डाउट कहीं पर, अच्छा अगर ऐसा दिया रहता C3H7NH2, इसका कहता पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखिए, तरीका क्या बताएं, एक तो तरीका यह है निकालने का डीयू C+1 हाइड्रोजन प्लस एक्स माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, इससे निकाल लो, कार्बन कितना 3 प्लस 1, हाइड्रोजन कितना 7 × 2 = 9, 4 कट के 0। अगर हम लोग अपना जेन्युइन तरीका से सोचते तो क्या करते, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन जैसा घटाते तो C3H9 और उसमें एक हाइड्रोजन घटा देते तो C3H8 हो जाता, यही ना सिखाए हैं, नाइट्रोजन रहेगा तो एक हाइड्रोजन माइनस करना है और हैलोजन रहेगा तो उसको हाइड्रोजन जैसा ऐड करना है, यही बात सिखाए आपको। तो डीयू C3H8 C3H8 सैचुरेटेड रहता तब भी तो यही फॉर्मूला होता तीन कार्बन का CnH2n+2, बैठा के देखो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, जीरो, अब जीरो है तो इसका मतलब क्या, ओपन चेन, क्लोज का तो बात ही नहीं है, तीन कार्बन, अब क्या बना सकते हो, अब इसमें तुम तरह तरह का एमीन बना दो, प्राइमरी एमीन, क्या सेकेंडरी एमीन नहीं सोच सकते हो क्या, तो
और सोचने का तरीका ही डेवलप कराएंगे। यही तो आइसोमर में खेला खेलना है हम लोग को। नहीं, एक बार प्रांडियामीन, प्रोपेनामाइन एंड मिथाइल इथेनामाइन एंड डाइमिथाइल मिथेनामाइन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और दिस वन इज टर्सरी एमीन। क्या डाउट है? क्लियर? अच्छा, एक बात और सिखाए थे कि अगर जब सल्फर का प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए, ऐसे तो ऑक्सीजन सल्फर एक जैसा ही करना है, डिस्कार्ड कर देना ऑक्सीजन जैसा ही, पर जब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स हो जाए तो उस केस में सावधानी बरतना होगा। तो सर कहां पर मिटाने दोगे? मिटा दिया गया। देखो ये थोड़ा स्पेशल है इसलिए लास्ट में बता रहे हैं इसको। C4 ऐसा आ जाए, O3S ये फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। ऑक्सीजन -6 +4 -4 +6, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, दिख रहा है ना ऊपर? तो देखने हम, हाँ दिख रहा है +6। अब जरा देखो, तब यहां पर हम वो कहानी नहीं कर सकते हैं कि ऑक्सीजन को तो यहां डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, पर सल्फर को नहीं। तो यहां स्पेशल केस है, ये नोट करके लिखिएगा, ये स्पेशल केस है, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगा। और एक सल्फर को चार हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट माना गया है, यानी चार हाइड्रोजन को हटाइएगा यहां पर। तो C4 है, ऑक्सीजन को डिस्कार्ड किए, चार हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बनेंगे? चार हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अगर सैचुरेट चार हाइड्रोजन इसमें हटा दे तो सिर्फ एक कार्बन बचा। अब एक कार्बन का सैचुरेशन फॉर्मूला क्या होता है? C4H4 माइनस कार्बन डिवाइडेड बाय 2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर कितना? 2। कितना आता? 2 आता। बात समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं? यानी इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते, देखो ये स्ट्रक्चर होता, देखो तो एक कार्बन, 3 × 4 हाइड्रोजन, सल्फर पर 3 ऑक्सीजन, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं है। तो DU कितना हो गया यहां पर? 2। सोचने का तरीका डेवलप करना होगा। उसी तरह अगर यहां पर C2S6 O3S आ जाता तो क्या करते? सेम कहानी, चार हाइड्रोजन माइनस करते, ऑक्सीजन को डिस्कार्ड करते, C2S6 इसमें चार हाइड्रोजन, इस सल्फर के जगह पर चार हाइड्रोजन माइनस करते तो C2H2। अगर ये सैचुरेटेड होता तब तो C2S6 होता, अभी है क्या? C2H2 है। तो DU कितना हो जाएगा? 4/2, 2 अनसैचुरेशन फैक्टर। तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर है और चूंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए DU 2 है। अगर स्ट्रक्चर दिया रहता तब तो बहुत आसान था, तुरंत बना देते। पर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहता और ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 दिख रहा होता तो वहां एक सल्फर जो माइनस करते उसको चार हाइड्रोजन की तुलना में लेते, यानी चार हाइड्रोजन घटेगा उस एक सल्फर की वजह से। ये स्पेशल केस है, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, पर याद रखिएगा ये कहीं आएगा नहीं। ये स्पेशल का थोड़ा तरीका आपको बता दिया, ठीक है। तो अब बाकी सीट जितना भी है प्रैक्टिस करने का सब डाल देंगे आपको, जो लिंक हम देते हैं उस लिंक के अनुसार से पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना आज कराए उसका कम से कम 3 times प्रैक्टिस आप कीजिए, कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।